ओके यात्रा में, ओके शोभा यात्रा में। सभी लोग अपने अपने कलश भरो, कलश भरो सभी लोग अपने अपने। Oh,
भागवत महापुराण का जो है अमृत पान करेंगे। जुड़ने जुड़ने आप सबसे मेरा निवेदन है, नमस्कारो और जय माता सूरी। भागवत महापुराण का जय जय लिखे आप लोग। और इस कलश यात्रा में जो है पुण्य के भागी बने, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, भगवत करवाने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी जो है जगत छोड़ी मेरी भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं दीयते। श्रीमद्भागवताख्योऽयं वरजत्र कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दक्षिणा रखेंगे पुराण के ऊपर। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कारो मे व्याकुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता यावीणावर दंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवद मे देवे सदा वंदिता श्यामां वादुसरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाम्यामहम्। ओम श्रीमद्भागवत
भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षो कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे भद्रवृक्षाञ्जलिं समर्पयामि हरे श्रीमद्भागवत महापुराणे व्यासदेव भगवान की गंगा महारानी की राधा रमण भगवान की ओम गोपाल बालम कपालम संसार मायापति मोहकालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम रसास्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः परहापीडं नटवरवपुः कर्णयोकर्णकारं विभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रामेणोरदर्शनया पूरयन्तो भवद्विन्दहे वृन्दारण्यं सुमरमणं नाविशदीर्घकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विशोदमध्याहे देवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः याचिका किल करेंगे ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे मुल्लारविंदाय दवात्मनेत्रं तेनत्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया दीपं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमः हेयं सदा परिभवाग्नमेष्टदोहं वेदागजं शिवविरन्तिरुदं शरण्यं नित्याग्निहं प्रणतपालभवां विबोधं वन्दे महापुरुष श्री चरण अरविंद श्री सुखदेव जी महाराज की जय वासुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय आप सभी जयकारा लगाए जय नागेश्वरी मैया की जय राजेश्वरी मैया की जय नागरण भगवान की जय श्यामपुरी मैया की जय चंद्रमदनी मैया की जय समस्त पितृ देवताओं की भुवनेश्वरी मैया की जय राम और भाई कैमरा खराब हो जाएगा फोकस खराब हो रहा है और कलश यात्रा को जो है प्रारंभ करते हुए त्रिवेणी घाट से जो है मां गंगा के पतित पावन जैसे जल से जो है भरकर भाव उठाओ कलश यात्रा Thank you.
समस्त पात्रिशक्ति जो कलश यात्रा में आए हुए थे, सभी लोग अपने अपने कलशों को ब्राह्मण देवताओं के पास पकड़वाएंगे और यथास्थान सभी कलशों को रखेंगे। प्रधान कलश की स्थापना अपने स्थान पर करेंगे और सभी लोग पंक्तिबद्ध होते हुए एक एक करके अपने अपने कलशों को देते रहेंगे और अंतिम दिन सभी लोग अपने अपने कलशों को भी ध्यान से देखते हुए सभी अपने घरों को ले जाएंगे। तो यथास्थान समस्त कलशों को रखेंगे। श्री राधे। और तत्पश्चात जो आज की पूजन के यजमान के रूप में यहाँ पर जो बैठता है, वह भी यहाँ पर पूजन में बैठेंगे और उसके पूर्व आप यहाँ पर जलपान की व्यवस्था और तत्पश्चात सभी लोग पूजन में बैठते हुए श्री राधेश्याम और श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यासदेव भगवान की गंगे मैया की भद्रकाली मैया की
भुवनेश्वरी मैया की, कुंजापुरी मैया की, सुरगंधासुरी मैया की, समस्त पितृदेवताओं की शिव। भागवत महापुराण के जय हो, श्री वेद व्यास भगवान के जय हो, श्री शुभदेव जी
जी महाराज के जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं और गोदी का वंशी विभो
सित कारण बनीरदा पीतांबरारुण बिंफलारोषणींदु सुंदर मुखादर बिंदु नीत्रात् कृष्णापरम किमपि तत्तु अहम् न जाने राधे मूरि स्वामिनी मोराधे कुदास जनम जनम मोहि दीजियो तेरे वृंदावन धाम राधे तू बड़े भागनी कौन तप दशरथ जी के घर में राम पैदा हुए।
देवकी मैया ने श्री ठाकुर जी महाराज जी को जन्म दिया। हाँ, सख्य भाव में कृष्ण अवतार में मधु मंगल और अर्जुन, मधुर मंगल और अर्जुन जिन्होंने भगवान के साथ कैसा भाव रखा, भाई जैसा, मामा भांजे जैसा, हाँ उसी प्रकार से माधुर्य भाव, माधुर्य भाव में वृंदांगनाओं ने माधुर्य भाव से भगवान की उपासना की। इस प्रकार से पांच भाव में हमें श्रीमद् भागवत को श्रवण करना है। इनमें से पांच भाव में से एक भाव पकड़ना है कि हे परमात्मा, मैं तो दासानुभाव से आपकी उपासना करूंगा और श्रीमद् भागवत कथा, यह अमृतमयी कथा का श्रवण करूंगा या करूंगी और श्रीमद् भागवत में श्रोता और वक्ता श्री रामचरितमानस में चार वक्ता और चार श्रोता हुए। काकुसुंडी जी ने गरुड़ जी को और भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी, वहीं तुलसीदास जी और उनका मां। बोले तुलसीदास भगवान की जय हो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। किंतु श्रीमद् भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके छह वक्ता हुए और श्रोता भी छह हुए। श्रोता हम सभी भी हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत आदि वक्ता भगवान नारायण, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ही चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता और भगवान नारायण व प्रथम श्रोता कौन हुए, ब्रह्मा जी। समस्त मनोकामना सिद्ध करे और यह ज्ञान रूपी अमृतमयी कथा हमें उस अंधकार से दूर करे जिस अंधकार में हम इस कलयुगी जीवन में जी रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय I'm
श्री मैया के, बोल अजय विष्णु जी महाराज के, बोल व्यास भगवान के, बोल सुखदेव मुनि महाराज के, बोल रामदास जी महाराज के। तो आइए पावन भगवान की पावन भोलेनाथ की का समय हो चुका।